Good evening. Good evening. Good evening. आवाज आ रही? Yes. Okay. चलिए आज काफी बातें करेंगे हम लोग, आपस में बातचीत करेंगे, सिर्फ मैं नहीं बोलूंगा, आप भी बोलेंगे, ठीक है? क्वेश्चन आंसर लेंगे। तो उससे पहले एक काम करते हैं, एक ऐसी स्किल हमें सीखनी है, एक ऐसी बात हमें सीखनी है जो आज के समय में बहुत मुश्किल हो गई है, और वो असली में हमारी लाइफ में, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, रिलेशंस हमें, संबंध हमें अच्छे करने हो, चाहे वो काम हमें अच्छा करना हो, जॉब अच्छा करना हो, क्लैरिटी है ना, हमारे अंदर क्लैरिटी थोड़ी कम हो गई है, कंफ्यूजन ज्यादा रहता है छोटे छोटी बातों को लेकर। बड़े डिसीजंस तो भी छोड़ देते हैं कि लाइफ में क्या करना है, छोटी छोटी बातों को लेकर ही कितने घंटे सोचते रहते हैं, है ना? जैसे फीमेल्स है, मान लीजिए आप में से कुछ लोग यही सोचते रहते होंगे, अच्छा आज रात को खाना क्या बनाना है, कितनी बार सोचते रहते हैं, ऐसी छोटी छोटी बातें होती है। तो एक काम करते हैं, सभी सीधे बैठेंगे दो मिनट के लिए, ऐसे नहीं ऐसे बैठेंगे, ऐसे नहीं ऐसे बैठेंगे, आंखें बंद कर सकते हैं नहीं तो खुली रख सकते हैं, और एक मिनट पूरा साइलेंस में बैठेंगे, और अपने आप से बात करेंगे, चेक करेंगे कि क्या मैं पूरी तरह से प्रेजेंट में हूं, वर्तमान में हूं, इस पल में हूं, अभी क्या सोच चल रही है अंदर, पुराना कुछ आगे का, उन सब बातों को हटाकर अपने आप को प्रेजेंट में लाएंगे, कहेंगे अपने आप को कि मैं पूरी तरह से वर्तमान में हूं और शांत हूं, मेरा मन बिल्कुल शांत है, कोई हलचल नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, दुनिया की और कोई बात याद नहीं आए, सिर्फ ये बात कि मैं शांत हूं और प्रेजेंट में हूं। ओके, ठीक है, थैंक यू। किस किस को थोड़ा सा मुश्किल लगा वर्तमान में रहने में, प्रेजेंट में आने में, या कुछ फील ही नहीं हुआ करना क्या है? होता है ना भाई, करना क्या है, हो तो रहा नहीं कुछ, है ना? बात सिंपल सी है कि क्या होता है, पूरा दिन हमारा सोच चलता रहता है और हमें पता भी नहीं होता कि हम क्या सोच रहे हैं। जैसे अभी यहाँ पर आए ना, थोड़ी आवाज कम कर दीजिए,
जैसे अभी यहाँ पर दो तीन लोग आए, आधे लोगों का ध्यान कहाँ गया? हमारा काम है क्या उधर? नहीं, फिर भी क्या आदत है ना, बहुत जल्दी आंखें क्या हो जाती है, डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, होता है, पता भी नहीं चलता। जैसे वो भाई साहब देखो अभी भी उधर देख रहे हैं ना, इधर इधर है ना। इस वजह से क्या होता है कि हम हमारे अंदर क्लैरिटी नहीं रहती है। ज्यादातर लोगों के साथ क्या होता है, जब रात के नौ बजते हैं ना, तो ज्यादातर लोग ये कहते हैं बस अब ना कोई मुझसे बात नहीं करे, इतना इतना अंदर से खाली हो जाते हैं, कहते बस अब कोई काम मत कहना, कोई डिस्टर्ब मत करना, और अपना फोन खोलकर वही रील्स या आजकल आईपीएल चल रहा है वो देखते रहते हैं, है ना। तो होता क्या है, अपने आप को हम अवॉइड करते रहते हैं, अपने आप के साथ समय बिताना अवॉइड करते हैं। कुछ मुश्किल डिसीजंस लेने हो, कुछ अलग करना हो, उस चीज को हम उसका सामना नहीं करना चाहते, उसे डिले करते रहते, होता है ना। उस वजह से क्या होता है, वो धीरे धीरे चीजें बहुत ज्यादा खराब होने लग जाती है। एक ही बात मान लीजिए, कोई आज कुछ हुआ, अभी आप मेट्रो से आए होंगे, ट्रेन से आए होंगे, गाड़ी से आए होंगे, है ना, थोड़ा ट्रैफिक होगा, किसी ने कुछ बोल दिया होगा, घर में कुछ हो गया होगा, ये बातें छोटी छोटी होती है ना, लेकिन ये बातें अंदर जब हम पकड़ कर रखते हैं तो धीरे 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 वो बातें क्या होती हैं, इकट्ठी होती रहती है, पाइलअप होती रहती है। और जब वो पाइलअप होती रहती है तो क्या होता है, एक दिन ऐसा आता है जब वो बांध टूट जाता है ना, बहुत ज्यादा भर जाता है, और किसी की छोटी सी बात बहुत ज्यादा हर्ट करती है, बहुत ज्यादा बुरी लग जाती है, और पूरा गुस्सा कहां पे जाता है, उस इंसान पर। स्पेशली आप सबको देखकर लग रहा है किस किस के बच्चे हैं घर में, हाँ, पूरा गुस्सा ज्यादातर किस पे निकलता है, जिस पर हमारा कंट्रोल है, जो हमें कुछ कह नहीं सकता, है ना, चाहे ऑफिस में चाहे घर पे, ऐसे लोग जो वापस जवाब नहीं दे सकते, होता है ना ऐसे। तो बात ये आ रही है कि ये जो चीजें हैं जो रोज इकट्ठी होती जा रही हैं, यही फिर क्या होता है, हम कहते हैं पता नहीं मुझे ना अजीब सा बेचैनी सी हो रही है, डर लग रहा है, गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन हो रहा है। यही बातें धीरे धीरे बढ़कर क्या होती रहती है, टॉक्सिक हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है ना। इसीलिए हमारे अंदर वो जो असली में क्लैरिटी होनी चाहिए है ना, वो नहीं रह पाती। चैलेंजेस सबकी लाइफ में आते हैं, है ना, आपकी लाइफ में चैलेंजेस हैं? हाँ जी, किस किस को लगता है चैलेंजेस? ओके, ठीक, हाथ नहीं उठा रहे, सबका एक अपना अपना कोपिंग मैकेनिज्म होता है। कोपिंग मैकेनिज्म समझते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं उस चीज को डील करने के लिए, कुछ लोग ऑफिस के बाद कहते हैं चलो यार चार दोस्तों से मिलते हैं और गम भुलाने की कोशिश करते हैं, है ना, अलग अलग तरीके से, कुछ हेल्दी होते हैं कुछ हेल्दी नहीं होते हैं, है ना, और ज्यादातर हेल्दी मानते हैं ना नहीं होते हैं। उस चीज से टेम्परेरी सॉल्यूशन तो मिल जाता है, लेकिन ओवरऑल क्या होता है, हमारी शक्ति कमजोर हो जाती है। और होता क्या है, आसपास के लोग भी हमारे कैसे हैं, वो ऐसे ही हैं, वो भी यही सब चीजें कर रहे हैं। मान लीजिए आप जिस कंपनी में हो, आप कहो कि यार ऐसा होता है वैसा होता है कंपनी में, तो साथ वाला एम्प्लॉई क्या कहेगा, इधर इधर ध्यान इधर उधर नहीं भाई साहब, उधर क्या है, हाँ। तो आसपास लोग भी ऐसे होते हैं, वो कैसी बातें करते हैं, वो भी वैसी बातें कर रहे होते हैं। इस वजह से हमें ये सब नेचुरल लगने लग जाता है,
हम कहते हैं तो क्या हुआ, ये तो सबके साथ होता है, टेंशन तो सबको होती है, इरिटेशन तो सबको होती है, गुस्सा तो सबको आता है। फिर हमने मूवी देखा, टीवी चलाया, मूवी देखा, उसमें भी यही सब हो रहा है ना, रील्स देखा, उसमें भी ये सब हो रहा है। तो क्या हुआ, यही बात बार बार पक्की होती गई कि गुस्सा करना तो बहुत नेचुरल है ना। मैं कुछ दिन पहले कंपनी में गया तो मेरा ऐसी क्लास शुरू होने वाली थी, तो थोड़ा लेट चल रहा था, तो मैं बैठा ऑफिस में ही बैठा, किसी का फोन आया कि सर वो ना ऐसे ऐसे मुझे सुना रहे हैं। तो वो क्या कहते वो दो सुना रहे हैं, तुम क्या करो, तुम चार सुना दो। यही तो तरीका होता है ना हमारा, हम क्या सोचते हैं, किसी ने कुछ गलत कहा, आप क्या करो, आप उल्टा जवाब दे दो, अंदर मत रखो। कहते हैं ना भाई गुस्से को अंदर नहीं रखना चाहिए, ऐसे कहते हैं। पर मैं आपसे पूछता हूं, जब हम किसी को चार सुना देते हैं, क्या वो बात खत्म हो जाती है यहां से? वो तो फिर भी रहती है, उस इंसान का भी नुकसान किया और अपना भी नुकसान कर रहे हैं, राइट? होता है ना। तो फिर क्या करें, इस चीज को, इस चैलेंजेस को डील कैसे करें? एक होता है, मान लीजिए कोई बात हुई, गुस्सा आया, जैसा हमने बात की, पहला तरीका क्या है, क्या करो, गुस्सा आ रहा है तो निकाल दो, यही करते हैं हम सभी। होता ये बात है, किसी और का गुस्सा निकलता कहां है, कहीं और निकलता है ना। गुस्सा सीनियर का होता है, सीनियर को गुस्सा कर नहीं सकते, तो कहां निकालते हैं, अपने से जूनियर्स पर या छोटे छोटे बच्चों पर, बेचारे मासूम बच्चों पर, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है, मान लीजिए जैसे सीनियर पर गुस्सा आया, किसी भी बात पे गुस्सा आया, बोला नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर उस इंसान के बारे में क्या करते रहते हैं, नेगेटिव बोलते रहते हैं। या जब मैं भी जॉब करता था तो हमें पता है कि हमें, हम सब लोगों का, एम्प्लॉइज का फेवरेट पास्ट टाइम क्या होता है, बॉस के बारे में गॉसिप करना है ना। तो गुस्सा किसी पर आया तो इनडायरेक्टली कैसे निकालते हैं, उसके बारे में सोचकर, बोलकर, है ना, जो भी अंदर होता है वो सब दोस्तों के सामने निकालकर, सामने बोलकर नहीं, उसके पीछे से बोलकर, है ना, वो भी हेल्दी होता है क्या? क्या कहेंगे, उससे कुछ फर्क पड़ता है? मुझे पता है कुछ के मन में चल रहा होगा, क्या नहीं, हल्का तो लगता है थोड़ा सा, है ना, टेम्परेरीली तो लगता है ना। लेकिन एक ना हमारी आदत बन जाती है, वो क्या, लोगों के बारे में गॉसिप करने की, चुगली करने की, गलत बोलने की। उसका नुकसान क्या है, थोड़ा सा नुकसान पर बात करें, नुकसान ये है फिर हम अच्छी बातें तो कर ही नहीं सकते। मानिए आज हम यहां पर बैठे हैं सभी, है ना, थोड़ी सी अलग बात हो रही है ना, कुछ लोगों को, आप में से कुछ को समझ आ रही होगी, है ना, कुछ कह रहे होंगे, क्या बोल रहे हो भैया, है ना, थोड़ा सा कुछ अच्छा सा सुनाओ, है ना, मोटिवेट करो, जैसे दीदी बोल रहे थे ना, मोटिवेशनल वीडियोस कैसी होती हैं, है ना, चार पांच कहानियां मैं सुनाऊंगा आपको, है ना, तो आप भी मोटिवेट हो जाओगे, आप कहोगे हाँ यार मैं भी कर सकता हूँ, है ना। लेकिन दो दिन बाद क्या होगा, कभी कभी तो देखिए ना YouTube पर वीडियोस, इतना मोटिवेशन देख लेते हैं कि कुछ करते नहीं है, वीडियोस ज्यादा देखते हैं ना। यहां हम बात कर रहे हैं कि जो असली में प्रॉब्लम है, थोड़ा सा उसे चेक करें और उसे ठीक करें, ठीक है। तो उस बात का नुकसान क्या होता है, जाने अनजाने में हम बहुत गलत कार्मिक अकाउंट बना लेते हैं। एक कोट मुझे याद आती है कि एवरेज माइंड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो कमजोर माइंड होते हैं, वीक माइंड्स डिस्कस पीपल,
एवरेज माइंड डिस्कस इवेंट्स एंड ब्रिलियंट माइंड्स डिस्कस पर्पस विजन। हिंदी में बताता हूं तो कमजोर मन होगा वो किसके बारे में बात करेगा, लोगों के बारे में बात करेगा, ठीक है। जो ठीक ठाक मन होगा वो किस बारे में बात करेगा, इवेंट्स के बारे में। इवेंट्स मतलब अरे आज ये कोई प्रोग्राम है, आज शादी है ना, आज यहां जाना है, आज ऐसा है। और जो अच्छा मन होगा जिसका पावरफुल होगा वो किस बारे में बात करेगा, पर्पस के बारे में, लक्ष्य के बारे में, अच्छा आगे क्या करना है, लाइफ में क्या करना है ना। लेकिन सच सच बताइए, क्योंकि मैं भी जॉब कर चुका हूं, ऐसी बातें कितनी कर पाते हैं, कर पाते हैं? आप शुरू करो, आपके दोस्त मजाक उड़ाएंगे, है ना, अरे कुछ नहीं होता ये सब, है ना। मुझे याद है मेरा एक बचपन से मेरा फ्रेंड है, तो हम जॉब भी साथ में करते थे, कॉलेज भी स्कूल भी साथ में। तो मेरा थोड़ा सा इस तरफ माइंड चलता था कि क्यों कर रहा हूं मैं, पर्पस क्या है करने का, जॉब तो कर रहा हूं। उसका एक ही आंसर था हमेशा, आज तक सेम आंसर है। उससे कोई पूछे ना कि पर्पस क्या है, वो कहते हैं जहां सैलरी ज्यादा मिल जाए वो बिल्कुल क्लियर है, आज तक क्लियर है। अपने सिस्टर को, अपने बहन को कहता, बहन कुछ नहीं होता पर्पस, वर्पस जहां ज्यादा पैसा मिल जाए वहां चले जाओ, है ना। तो आप कुछ ऐसी बात करोगे ना, इसकी गहराई समझनी पड़ेगी मैं क्या कह रहा हूं, नहीं तो लोग हम बात नहीं कर पाएंगे और करते भी नहीं है। जिस दिन मैंने ये समझा जो मैंने आपको कोट बताया ना, तो मैं थोड़ा सा अवेयर हो गया कि मुझे ना लोगों के बारे में बात नहीं करनी। ज्यादातर क्या होता है, 6 लोग बैठे होते हैं, मान लीजिए जो 6 पर्सन है, छठा इंसान है उठकर चला जाए, बाकी 5 किसके बारे में बात करते हैं, वो जो इंसान छोड़ कर गया, तो वो 5वां गया तो उसके बारे में। आप भी जब किसी के बारे में बात कर रहे हो, जब आप उठ के जाते हो तो क्या होता है, आपके बारे में खूब गॉसिप होती है ना। तो मैं एक चीज में अवेयर हो गया आज के सेशन में, हम एक चीज भी लेकर चले ना, अगर हम 2 लोग बैठे हैं, तीसरा इंसान जो यहां नहीं है, तो मुझे उसके बारे में बात ही नहीं करनी। कर सकते हैं ये, हाँ है ना है कुछ लोग सोच रहे हैं अरे मजा तो जब तक दिन में 4-5 चुगली नहीं कर ले तब तक तो दिन पूरा नहीं होता है, है ना। कुछ लोग ये सोच रहे हैं फिर बात करेंगे क्या जब यही नहीं है। थोड़ा सोचना इस बारे में, बातें बहुत अच्छी अच्छी करने को, हाँ तारीफ कर सकते हो, ठीक है तारीफ कर सकते हैं, पर ज्यादातर क्या होता है तारीफ भी करते हैं तो धीरे धीरे कहाँ जाती है बात, हम कहते हैं वो अच्छा तो है लेकिन, ये बट लगा देते हैं और फिर उसके बाद शुरू हो जाती है हमारी कहानी, राइट। तो क्या इस बात को एक बार साथ लेकर चल सकते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब तक अच्छी चीजें हमने नहीं रखी तब तक क्या होगा, वो गलत चीजें ही हमारे माइंड में रहेंगी। आज शॉपिंग करके आइए, नई नए कपड़े खरीद कर आइए, तभी वो पुरानी जो अलमारी में पुराना सामान है तभी वो निकलेगा, नहीं तो वो वैसे का वैसा ही पड़ा रहेगा। इससे क्या होगा, थोड़ा सा हमारा ध्यान सही डायरेक्शन में, सोच सही डायरेक्शन में चलने लगेगी, तो धीरे 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 हमारे अंदर वो पावर बढ़ेगी, है ना। तो ज्यादातर जब हम बात करते हैं, लोगों के बारे में बात करते हैं या चैलेंजेस की बात करते हैं, सही बताऊं तो आजकल ज्यादा चैलेंजेस हमें अंदर से आते हैं ना कि बाहर से आते हैं। मतलब कोई बताना चाहे तो मैं क्या कह रहा हूं, ज्यादातर चैलेंजेस हमारे अंदर से आते हैं, बाहर से कम आते हैं। दिमाग से, ओके, मन से, हाँ मन से, ओके, हाँ जी,
अच्छा चलो एक और क्वेश्चन पूछता हूँ फिर समझ आएगा, पर सच्चा सच्चा आंसर देंगे ऑनेस्टली। देखिए कैसा टाइम आ गया, बार बार बोलना पड़ता है कि ऑनेस्टली आंसर दोगे। पता है क्यों? क्योंकि ना हमारी आदत हो गई है क्या करने की, हाँ कैसे झूठ बोलने की। कोई आपको फोन करे कितनी देर लगेगी आने में, हाँ 15 मिनट दूर है, मैप भी दिखा रहा है 15 मिनट, क्या बोलते हैं 2 मिनट कहते हैं कि यहाँ। अच्छा ओके तो वो हमने बिना बात के जो झूठ बोला ना वो पूरी हवा में फैल गया। हवा में फैलने से क्या हुआ, हम अपने आप के साथ भी झूठ बोलना शुरू हो गए। जैसे मैं कॉलेज में गया तो मैंने बोला कि आज हम मेंटल हेल्थ पर बात करेंगे कि हम खुश रहते हैं या नहीं। तो एक हरियाणा के एक गांव में था, तो वहां के लोग क्या होते हैं ज्यादातर, लड़का था एक, उसने बोला कि नहीं नहीं सब चिल है सब अच्छा है। मैंने कहा मैं पूरा बात करता हूँ फिर मुझे बताना कि सही में सब ठीक है या नहीं है। एक घंटा लगा उसे समझ आने में कि हाँ डिस्टर्बेंस होती है, गुस्सा आता है, इरिटेशन होती है ना। तो हम पहले तो मानते ही नहीं है कि प्रॉब्लम है, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या है जिसका ऑनेस्टली आंसर देना है, किस किस के मन में ये क्वेश्चन आता है, चाहे एक हफ्ते बाद आता हो, हर रोज आता हो, कि क्या कर रहा हूं यार लाइफ में। ऑनेस्टली ऑनेस्टली हाथ उठाएंगे, कोई नहीं देख रहा, किसी ने देखना भी नहीं आसपास है ना, लेफ्ट राइट नहीं देखना। हाँ जी कुछ अभी भी थोड़ा सा झिझक रहे हैं ना, पर ये क्वेश्चन आता है मन में, आता है ना। तो जब ये आता है, ये कब आता है, या तो काम बहुत ज्यादा हो जाता है, काम करो क्रेडिट नहीं मिलता है, मेहनत बहुत करो रिजल्ट नहीं मिलता है ना, या फिर घर में कुछ हो जाता है, रिलेशनशिप्स में कुछ हो जाता है, रिलेटिव्स में कुछ हो जाता है, जब ऐसे ऊपर नीचे चीजें होती है ना, कहते क्या है मतलब, क्या चल रहा है, ये सब होता है ना। आपकी इंटेंशंस बहुत अच्छी है, मतलब आपका भाव बहुत अच्छा है, आप दिल से किसी को करना चाहते हो और वो सामने वाला इंसान आपको गलत ले लेता है, जब ऐसी सिचुएशंस आती है तब क्या होता है, ये क्वेश्चन मन में आता है ना। तो फिर क्या करते हैं जब ये क्वेश्चन आता है, उसका क्या क्या करते हैं जी? कुछ नहीं करते है ना, कुछ तो करते हैं, क्या करते हैं, मोबाइल खोलते हैं और रील्स देखते हैं। अच्छा डिस्ट्रैक्ट करते हैं अपने आप को, किसी से बात करने लग जाते हैं कि ये भी कोई सोचने की बात है क्या, है ना, इतना लोन है, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, काम पे लग जाओ, है ना। पर ये खालीपन फिर हमेशा ही रहता है, और ये खालीपन बाहर की चीजों से नहीं भरता। हम कितना भी काम कर ले, कितना भी सैलरी कमा ले, कितने भी पैसे कमा ले, कितना भी एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बन जाए, कुछ भी कर ले, ये खालीपन जाने वाला, ऐसे जाने वाला नहीं। इसलिए जैसे दीदी बता रहे थे, एक होता है इमोशनल क्वेश्चन, एक होता है स्पिरिचुअल क्वेश्चन। स्पिरिचुअल पे तो बाद में आएंगे हम लोग, अभी पहले इमोशनल क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। स्पिरिचुअल क्वेश्चन मतलब कि क्या मेरे जीवन का कोई लक्ष्य है, क्या लाइफ का पर्पस है, या बस ऐसे ही चल रही है गाड़ी। क्यों? क्योंकि आप सब कुछ करेंगे बाहर से दिखने में, अगर आप मुझसे पूछो, मैं जब जॉब करता था, कोई मेरी लाइफ को देखे तो मैं बिल्कुल एक परफेक्ट लाइफ होती है ना, बहुत अच्छी सैलरी, घूमना फिरना, बहुत अच्छी कंपनी, पर हमें पता है हमारे अंदर क्या चल रहा होता है ना, मैं इतना खुश नहीं था। क्यों? क्योंकि वो एक पर्पस मिसिंग था कि मैं क्या कर रहा हूं, किसके लिए कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, है ना। जब वो लाइफ में ऐड किया
तो चीजें बहुत आसान हो गई। कैसे, मैं एग्जाम्पल देता हूं कि मान लीजिए एक घर में है ना, कौन कौन हाउस वाइफ है यहाँ पर? तो घर में रहते हैं है ना, तो कभी कभी क्या होता है, बहुत ज्यादा बर्डन आ जाता है। ये आप सभी के लिए है, काम भी करते हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा हो जाता है ना, काम बहुत ज्यादा लगने लग जाता है, या उस तरीके से रिवॉर्ड नहीं मिलता, अटेंशन नहीं मिलता, एप्रिसिएशन नहीं मिलता, तो क्या होता है, अजीब सा लगने लग जाता है, होता है ना ऐसा। इसके पीछे का कारण क्या है, हम ये सोचते हैं कि ना ये सब काम तो करना पड़ेगा। हम जॉब भी ज्यादातर किस माइंडसेट के साथ करते हैं, ध्यान से देखना, ऐसे नहीं दिखेगा, ध्यान से देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये बात आती है क्या, कि अब है ना, मान लो मैंने कहा जिम्मेवारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो करना पड़ेगा है ना, मतलब आई हैव टू डू इट, और कोई चारा नहीं है। ऐसे लगता है कि किसी ने जोर जबरदस्ती बिठाया हुआ है ना, चेन से बांधा हुआ है, और क्या कहा हुआ है, करो, क्योंकि बंधन है, मानता हूं मैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सोचे यार एक महीना जॉब नहीं करते, लाइबिलिटीज बहुत हमने जाने अनजाने में कर ली ना, है ना, मानते हैं सभी। तो छोटी छोटी बातों को चेंज करना पड़ेगा, कि ये कहने की बजाय कि ये काम करना पड़ेगा, चाहे घर में चाहे ऑफिस में, क्या कहना शुरू करना है, ये काम मैं चुनता हूं, आई चूज टू डू दिस वर्क। बात सिर्फ क्या है, बात सिर्फ एक बिलीफ को चेंज करना है, पर आप देखना दिन पूरा खत्म होते होते बहुत सी माइंड की पावर, मन की शक्ति बनी रहेगी, ड्रेन आउट नहीं होंगे, बैटरी इसकी क्या नहीं होगी, लो नहीं होगी ना। पहला काम जो हम करें वो क्या, चेक करें कि मैं क्या सोचकर काम कर रहा हूं। हम यहाँ पर बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, कोई भी काम शुरू करने से पहले या पूरा दिन शुरू करने से पहले अपने आप से पूछते हैं, क्यों कर रहा हूं, ये पीछे करने का कारण क्या है, इससे मिलेगा क्या मुझे, और वही बात ऑनेस्टली चेक करना है, ये काम मैं खुद के लिए कर रहा हूं या दिखाने के लिए कर रहा हूं ना? जैसे कॉर्पोरेट में एक टर्म होती है, परसेप्शन मैनेजमेंट, सुना है आपने? जैसे ही बॉस आता है, सीनियर आता है, क्या करने लग जाते हैं, काम करने लग जाते हैं है ना, और जैसे ही वो साइड में जाता है, थोड़ा दिखाना पड़ता है ना। सभी ऑफिस जाते हैं या फील्ड का है आपका, सभी का फील जो है, ओके ओके ठीक है। तो कई बार ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं है ना, कि मुझे याद है मेरे भी एक फ्रेंड थे जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थे, बहुत मुश्किल हो जाता है ना, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना, फिर उनसे बात करना, पिच करना, अपनी बात रखना, डॉक्टर्स भी बिजी होते हैं है ना, डॉक्टर्स का भी गुस्सा कहीं और का होता है, वो किस पे निकलता है, कभी कभी आप पर निकलता है ना, फिर हम पर्सनली ले लेते हैं उस बात को, वो कहते क्या है यार, क्या फायदा, कोई इज्जत ही नहीं है ना, क्योंकि कोई ना कोई तो होगा ही ना जो आपको कुछ ना कुछ कुछ तो बहुत अप्रिशिएट करेंगे, बहुत प्यार से बात करेंगे, गाइड भी करेंगे, लेकिन कुछ क्या करेंगे, कुछ तो, जैसे आपने घरों में लोग देखे हैं ना, कि किसी इंसान के ना पता ही चल जाता है कि आज लड़ाई होने वाली है ना, आज कुछ ना कुछ बहस होने वाली है, पता है। ऐसे ही कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो बस ढूंढ रहे होते हैं, क्या अंदर से भरे होते हैं, वो कहते हैं आज बस कोई मिल जाए है ना, और उस दिन क्या हुआ, आप सुबह सुबह चले गए उनके पास
तो क्या हुआ, पूरा का पूरा आप पर आ गया। ये छोटी छोटी बातें हमें डाउट क्रिएट करती हैं। क्यों डाउट क्रिएट करती हैं? क्योंकि हम अंदर से क्लियर नहीं होते हैं कि मैं क्यों कर रहा हूं, इसका रीजन क्या है, है ना। इस वजह से हम डाउट में आने लग जाते हैं। और आपको सच सच बता रहा हूं, जितना आप अच्छे होंगे ना, आप अपना काम ईमानदारी से करोगे, सच्चाई के साथ करोगे, उतना आपको ज्यादा सुनना पड़ेगा। ये सच है, ठीक है। अब दो ऑप्शन है, क्या करें, या तो बेईमानी का सहारा ले, झूठ का सहारा ले, है ना, ऊपर नीचे चीजें करें, हो सकता है बच जाए, कई बार बचने के लिए भी करते हैं ना। और दूसरा ऑप्शन क्या है, ऑनेस्ट रहें, सच्चे रहें और डांट भी सुने, क्या चूज करोगे? क्वेश्चन चेंज करता हूं, क्या चूज करते हैं? ऑनेस्ट, मान लीजिए ऑफिस में आपसे कुछ गलती हुई, आपको पता है सच बोलूंगा तो डांट पड़ेगी और झूठ बोलूंगा तो बच जाऊंगा, है ना, क्या करेंगे? बचने की कोशिश करेंगे, है ना। ठीक है, पर होगा क्या उससे? हाँ जी, आदत। हाँ, वो आदत हो चुकी है, हो जाएगी, छोड़िए, हो चुकी है, अंदर इतनी गहरी हो गई है कि आप ध्यान से देखना, जब कोई बात होती है तो पहला बात बचने के लिए निकलता है, अरे मेरी गलती नहीं है, उसने ऐसा किया, डॉक्टर ने ऐसा किया, ये सब चीजें, है ना। लेकिन जब हम खुद के साथ बैठेंगे, जब कोई चीज नहीं होगी ना, जब खुद के साथ बैठेंगे तो कैसा फील होगा? अच्छा फील होगा? अच्छा फील नहीं होगा। लाइक जीवन में 80% लोग ऐसे ही फील करते हैं, अच्छा फील नहीं करते, क्योंकि कुछ ना कुछ ऊपर नीचे मन तो खाता है ना। जैसे मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है कि एक बार एक मूर्ति का स्क्रिप्चर वो बना रहे होते हैं, मूर्ति बना रहे होते हैं, तो बहुत सुंदर होती है, पता नहीं क्या होता है, एकदम से उसे साइड में करके फिर से नहीं बनाने लग जाते। उनके आसपास के जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि क्या हुआ भाई साहब, इतनी अच्छी तो मूर्ति बनाई है, फिर से क्यों बना रहे हो? उन्होंने कहा नहीं, उसके पास ना ध्यान से देखो, नाक ना थोड़ी सी टेढ़ी है, टूटी हुई है। तो उन्होंने बहुत क्लोजली देखा, कहा वैसे पता नहीं लग रहा। उन्होंने कहा मुझे तो पता है ना कि वो टेढ़ी है, टूटी हुई, आई विल नॉट फील गुड, राइट। इसी वजह से अगर हम कुछ भी जाने अनजाने में गलत करते हैं ना, कोई देख नहीं रहा आपको, है ना। मुझे पता है, मैं भी जब कंपनी में था, वो कुछ कुछ होता है ना, जैसे आपको किलोमीटर के पैसे मिलते हैं, है ना, राइड के, बाइक के, होता है ना ऐसा, तो हम कभी कभी थोड़ा कर देते हैं ना, थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर या कुछ ऐसा कि भाई खर्चे बहुत है, ऐसे नहीं निकलेंगे, वो ठीक है, वो अंडरस्टैंड। पर किसी का नुकसान करके जब हम चीजें करते हैं, है ना, मेडिकल प्रोफेशन तो कैसा है आपको पता है ना, कई बार हमें पता भी होता है कि ये मेडिसिन सही नहीं है, है ना, फिर भी क्या करते हैं, काम है, काम तो करना पड़ेगा, होता है ऐसा। पर धीरे धीरे जब वो एक कार्मिक साइकिल का हम हिस्सा बन जाते हैं, अब हिस्सा बन जाते हैं तो क्या होगा, आज नहीं तो कल वो अंदर से वो नेगेटिव फील होगा। मानते हैं इस बात को? थोड़ा मुश्किल हो रहा है समझना? हाँ जी, आपके चेहरे ऐसे लग रहे हैं। अच्छा, एक छोटा सा टेस्ट दे देते हैं, यही है या कहीं और चलेगा?
ठीक है, ले ले छोटा सा टेस्ट। ओके चल, अपना दाहिना हाथ उठाएंगे, राइट हैंड, राइट, अभी गलती करते। ओके सो ये टेस्ट है चेक करने का कि आप पूरा अच्छे से सुन रहे हो या नहीं, प्रेजेंट में है या नहीं। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, छोटा बच्चा भी कर लेगा, बस ध्यान से सुनना है। ठीक है, जैसा मैं बोलूंगा वैसा आपको करना है। कैसा करना है? जैसा मैं बोलूंगा वैसा करना है। मैं दिख रहा हूं सभी को पीछे? ओके ठीक है, रेडी, हाथ पूरा ऊपर, ठीक है, अपना हाथ अपने गाल पर लेकर आइए, देखा ये गाल है आपका, ये गाल है, वही तो बात थी, इंस्ट्रक्शन क्या थी, जैसा मैं ये देखो, हाँ जैसा मैं बोलूंगा करूंगा नहीं, 5 सेकंड में चेंज कर दिया आपने तो, है ना। इंस्ट्रक्शन था जैसा मैं बोलूंगा वैसा करना है, 50% ने क्या किया, जैसा मैंने किया, है ना। यही तो गड़बड़ होती है, पहली गड़बड़ क्या, हम अच्छे से सुनते नहीं है, क्यों, अभी भी माइंड में, जैसे मोबाइल में 10-12 टैब्स खुली होती है ना, तो वो 1-2% बैटरी हर जगह खर्च हो रही है। ऐसे ही जब हम यहाँ पर रहने की कोशिश करते हैं, अभी भी आप में से कुछ लोग कहीं ना कहीं होकर आए, है ना, इसके बाद कहाँ जाना है, क्या करना है, पुराना कुछ याद आ गया, होता है ना, तो वहां खर्च हो रहा है। दूसरी एक और बात इसमें बहुत जरूरी है समझने की, क्योंकि आप में से ज्यादातर लोग पेरेंट्स हैं, मेरे बोलने से कुछ नहीं होता, जैसा मैं करता हूं वैसे लोग कॉपी करते हैं। अब हम घर में बच्चों को क्या कहते हैं, बच्चे मोबाइल नहीं देखना, बच्चे गुस्सा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चीट नहीं करना, और वही सारी सभी की सभी चीजें क्या करते हैं, उन्हीं के सामने करते हैं। और आजकल जो तो बच्चे भी बहुत तेज हैं, आजकल सीधा बोल देते हैं, आप भी तो करते हो, आप भी तो मोबाइल यूज करते हैं, सीधा जवाब दे देते, है ना। इसलिए मेरे बोलने से नहीं होगा, मेरे करने से वो चीज होगी, है ना। तो बात क्या चल रही थी कि आजकल दुनिया में 80% लोग कुछ ना कुछ ऊपर नीचे करते हैं, जाने अनजाने में कुछ ना कुछ गलत हो जाता है उनसे, उस वजह से वो अपने बारे में अच्छा महसूस नहीं करते। अब अच्छा महसूस नहीं करते तो अपने साथ बैठ भी नहीं सकते, बैठ नहीं सकते तो सारी प्रॉब्लम वहीं से शुरू हो जाती है, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, गलत आदतें लाइफ में लाते हैं, कुछ ना कुछ बाहर का चाहिए होता है, कुछ ना कुछ जो मॉरली भी गलत है, लीगली भी गलत है ना, खुद के लिए भी गलत है, समाज के लिए भी गलत है, संबंधों के लिए, रिलेशन के लिए भी गलत है, ऐसी ऐसी चीजें करने लग जाते हैं। इस वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लाइफ हो जाती है, एक डर बना रहता है, अब कुछ गलत करेंगे तो डर तो हमेशा ही रहेगा, हाय मैं पकड़ा गया तो, समझ रहे हैं, तो एंजाइटी तो पूरा दिन ही रहेगी फिर। इसलिए थोड़ा सा सोच समझ कर हमें चीजों को करना है कि मुझे गलत चीजों में नहीं जाना है, ये जो सच की राह है, अच्छी राह है, सच्चाई की, ईमानदारी की, बचपन से सुना है, इतनी आसान नहीं होती, जैसा मैंने कहा मुश्किल ज्यादा होगी। आज भी है ना, जब मैं इंजीनियर था तो तब तो मुझे कोई कुछ भी नहीं कहता था, सब कहते थे बहुत अच्छा करते हो। इंजीनियरिंग छोड़कर जब
मेंटल हेल्थ पर काम शुरू किया, मेडिटेशन करवाना शुरू किया। आज भी दिन में 2-3 लोग ऐसे मिल जाते हैं जो क्या कहते हैं, ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, है ना, अरे क्या कर रहे हो, इससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो जितना अच्छी राह पे जाएंगे प्रॉब्लम आएगी। आप बॉस के साथ अच्छे हो, आप काम अच्छा करते हो, अगर आप में से कोई काम बहुत अच्छा करता हो, आपको आपके फ्रेंड्स ऑफिस के कलीग चिढ़ाते हैं, क्या ये देखो ये बनेगा एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, बॉस का चमचा, है ना। ये सब चीजें सुनने को मिलती है, पर क्या करना है मुझे पता है, मेरा एक लक्ष्य है। और वो लक्ष्य क्या है मैं आपको बताता हूं। आज आप सोचना जाकर, एक दिन में क्लियर नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसे प्रोसेस होने में, कि जब ये मन में क्वेश्चन आता है मैं कौन हूं, क्या कर रहा हूं लाइफ में, क्या करने आया हूं, या फिर इससे आगे क्वेश्चन आता है कि ये भगवान कौन है, मेरे क्या लगते हैं, है ना। अपने अपने तरीके से कुछ ना कुछ तो हम करते हैं, पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, पर वो समझ के नहीं करते। और बात क्या है, जब तक भगवान का सही हमें परिचय नहीं मिलता, तब तक भी हम खुश लाइफ में नहीं रह सकते, चाहे कितना भी मॉडर्न बनने की कोशिश करें। अरे मैं भगवान भगवान में नहीं मानता, कुछ लोग कहते हैं ना, बड़े शहरों के लोग ज्यादा कहते हैं, है ना, लेकिन अंदर खालीपन तो रहेगा ही रहेगा। इसलिए ये इस पे सोचना शुरू करना है, क्या कि मेरी लाइफ का, मेरे आज दिन का एक लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है, कि मुझे सब कुछ अच्छा करना है, मुझे ट्रुथफुल रहना है, जो चीज सही है वही करनी है, चाहे कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। पर मैं जैसे छोटे बच्चों से पूछता हूं, मैं आपसे भी पूछता हूं, चलो आपके हिसाब से पूछता हूं। मान लीजिए कल ऑफिस है आपका, सैटरडे है, कल ऑफिस है ना। मान लीजिए आज रात को अनाउंसमेंट हो जाए, आपके बॉस का कॉल आए कि कल ना ऑफिस की छुट्टी है, ठीक है, कैसे चेहरे खिल गए। अच्छा, क्या करोगे, कल छुट्टी है, क्या सबसे पहली चीज सुबह क्या करोगे, लेट उठेंगे, वेरी गुड, है ना, नींद पूरी करेंगे, ठीक है। उसके बाद हाँ घूमने जाएंगे, ठीक है। चलो मैं बताता हूं, थोड़ा सा ज्यादा लेके चलते हैं ताकि डिफरेंस समझ आए। तो मान लीजिए सुबह आराम से उठे 10 बजे, ठीक है, फिर क्या किया, आराम से मोबाइल देखा 2 घंटे, ठीक है, वो रील्स पेंडिंग थी ना बहुत सारी, तो रील्स को देखा 2 घंटे, ठीक है। फिर खाना भी ऑर्डर किया जोमेटो से, बाहर से पिज्जा खाएंगे आज, फिर कुछ और मूवी देख लिया, फिर सो गए, फिर थोड़ा बहुत ठीक है जो भी किया हो गया, ठीक है। अच्छा, मंडे को आपने क्या किया, जैसे हमने आज बात की, थोड़ा सा आपने क्या किया, सुबह मान लीजिए आप 6 बजे उठते हैं, तो 15 मिनट पहले उठे और मेडिटेशन किया। मुश्किल था, कुछ फील नहीं हो रहा था, कुछ नहीं समझ नहीं आ रहा था, पर किया, ठीक है, टाइम से काम पे गए, सब कुछ ट्रुथफुली किया, जो है वो है, जो गलत है वो गलत है, जो सही है उसे अच्छे से किया, ऑनेस्टली सब कुछ किया, काम भी बहुत किया, सब कुछ किया अपने टाइम के साथ, कंपनी के टाइम के साथ, सब कुछ अच्छा किया, थक गए। अब मैं आपसे पूछता हूं, थोड़ा सा टाइम लेके सोचना, आपको क्या लगता है, ये जो शनिवार था जिस दिन छुट्टी थी, day 1, उस दिन आप ज्यादा खुश महसूस करोगे या day 2 जब पूरा दिन ऑफिस था? सोच के बताना, वो बच्चों की तरह नहीं बिना सोचे समझे। हाँ जी, कौन बताएगा? हाँ जी,
डे टू ओके, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे डे टू क्यों? हम जो बहुत सी चीजें अवॉइड कर रहे हैं, मुझे पता है इनसे मुझे लेट तक सोना नहीं है। हाँ। और जो इसके में सोना मैं रिस्क देना बोल रहा हूँ, मुझे जानता हूँ मैं बैक ऑफ माइंड कि ये सही नहीं है और इसके मैं कर रहा हूँ, तो बैक ऑफ माइंड मैं जानता हूँ ये सारी चीजें जो मैं कर रहा हूँ ये गलत है और मैं कर रहा हूँ। एट द एंड ऑफ द डे मुझे ये सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं देगी जो मुझे डे टू देगी, भले मेरा एग्जैक्ट काम ज्यादा काम सभी को सुनाई दिया उनका आंसर ना, सभी एग्री करते हैं डे टू ज्यादा खुश रहेंगे। कोई ऐसा जो कहे कि डे वन नहीं, मैं तो ये कहता हूँ डे वन, कह भी सकते हैं इसमें कुछ गलत नहीं है ना। डे वन पे जो हमने काम किया, रील्स देखी, लेट उठे, हो सकता है वो करते वक्त अच्छा लग रहा हो, लेकिन जैसे भाई साहब बता रहे थे बैक ऑफ द माइंड में एक आवाज आ रही होगी ये ठीक नहीं कर रहा, टाइम वेस्ट कर रहा, ये नहीं करना चाहिए, गलत है। चलो तब भी आवाज नहीं आई, लेकिन बाद में ओवरऑल फील होगा कि ये मैंने क्या किया अपने दिन के साथ, है ना। और डे टू में मुश्किल था, सुबह से लेकर काम किया, लेकिन खुश थे क्योंकि प्रोडक्टिव था, थे अच्छा था, थे अच्छे रहे हम लोग, जो हम कहते हैं कि अपने आत्मा के स्वरूप में रहे, अलाइंड रहे, उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए। लेकिन मैं मानता हूं ये चैलेंज रहता है कि बार बार अपने आप को समझाना पड़ेगा, ये याद रख सकते हैं, अपने आप को बताना कि सैटरडे वाला दिन चाहिए या मंडे वाला दिन चाहिए, है ना। बार बार अपने आप को बताना कि कौन सा ज्यादा अच्छा होगा मेरे लिए, है ना। सब चीज मुश्किल है दुनिया में, है ना। सुबह उठना मुश्किल है, सुबह उठना भी मुश्किल है, लेकिन एक अनहेल्दी शरीर के साथ, अनहेल्दी बॉडी के साथ जीना भी मुश्किल है। अब मुझे रोज चूज करना है कि कौन सा मुश्किल है ना, चूज योर टफ। मेडिटेशन करना मुश्किल है, बैठकर कुछ नहीं सोचना, सिर्फ एक विचार सोचना मुश्किल है, मानता हूं, लेकिन उतना ही मुश्किल क्या है, पूरा दिन गलत सोचना, नेगेटिव सोचना, दूसरे पर डिपेंडेंट होना, किसी ने कुछ अच्छा कहा तो खुश हो गए और किसी ने कुछ बुरा कहा तो दुखी हो गए, और ज्यादातर अच्छा कहेंगे या गलत, ज्यादातर लोग कैसे मिलेंगे, कुछ ना कुछ गलत बोलेंगे, वो भी तो मुश्किल लाइफ है ना। तो ये मुश्किल अपना चूज करना है हमें ना। आप में से बहुत लोग कहते होंगे कि ठीक है आपकी बातें अच्छी लग रही हैं, पर टाइम नहीं है मेडिटेशन करने, है ना। हाँ जी, अलग से टाइम नहीं लेना है, टाइम मैनेज नहीं करना है, प्रायोरिटी को मैनेज करना है। प्रायोरिटी को कैसे मैनेज करना है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक कहानी सुनाता हूँ छोटी सी। कितना टाइम है हमारे पास, हो गया 5:30 हो गया, हाँ 10 मिनट्स और ओके। तो एक बार एक स्कूल में एक बच्चा अपने प्रिंसिपल के पास आया, बोलते सर मैं स्कूल छोड़ना चाहता हूँ, मैं बहुत परेशान हो गया। उन्होंने कहा क्यों, कहते पता नहीं यहाँ पढ़ाई तो कुछ खास होती नहीं है, टीचर्स अपनी अलग सी बातें करते रहते हैं, स्टूडेंट्स भी इधर उधर कहीं रहते हैं, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा नहीं है, पता नहीं सब अजीब से है, मुझे छोड़ना। प्रिंसिपल को बात समझ आई, उन्होंने कहा ठीक है मैं जाने दूंगा आपको, बस मेरा एक काम करते जाना। उन्होंने कहा क्या, उन्होंने कहा ये गिलास है इसमें पानी है, बस आपको क्या करना है, हाथ में गिलास रखो, पानी है, एक पूरा कैंपस का राउंड लेकर आओ, शर्त एक है कि गिलास से पानी नहीं गिरना चाहिए। कहते ठीक है, वो पूरे कैंपस में गया, वापिस आया, बोले सर ठीक है मैं जा रहा। उन्होंने कहा अब बताओ, अब आपने क्या क्या देखा। कहता मतलब
कि मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। कहते वो टीचर्स नहीं दिखे जो इधर उधर की बात कर रहे थे, बच्चे कुछ गलत कर रहे थे। कहता नहीं, मेरा ध्यान तो इस पर था कि पानी नहीं भर जाए, है ना। तो हमें क्या करना है, पूरा दिन काम करना है, लेकिन एक अटेंशन, क्या यहां से पानी गिरना नहीं चाहिए, मतलब स्थिति नहीं लेनी चाहिए। एक कुछ बातें लेंगे हम लोग, उसे पूरा दिन प्रैक्टिस करना है। वो फिर ट्रेन में ट्रेवल करते हुए, बाइक चलाते हुए वो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सोचते तो हम पूरा दिन ही है, सोचने का तो टाइम है ना, ओवरथिंकिंग का तो टाइम है ना, उसको चेंज करना है। पूरा दिन एक काम के साथ, एक टास्क के साथ सोचना है, तो क्या होगा, चलते फिरते मेडिटेशन हो जाए। आप मुझसे पूछोगे, जैसे मैं, मेरा भी डिजाइनिंग का काम था, मुझे भी कंपनीज में जाकर बताना होता था, मैं भी मेट्रो में बैठकर जो एक घंटा दो घंटे मुझे मिलते थे, मैं मेडिटेशन करता था ईयरफोन लगाकर। अब ईयरफोन लगाकर कौन कौन पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रेवल करता है, ट्रेन से, मेट्रो से, करते हैं? क्या करते हैं, क्योंकि मैंने देखा है, क्या करते हैं उस समय, ईयरफोन लगाते हैं और रील्स देखते हैं, और वो आजकल वेब सीरीज आ गई है ना, वेब सीरीज मूवीज देखते रहते हैं। क्यों देखते रहते हैं, करेंगे उस पर भी बात, लेकिन उससे रिप्लेस करके क्या करना है, मेडिटेशन म्यूजिक लगाना और खुद से बात करनी है। जैसा मैंने कहा, इतना मजा नहीं आएगा जितना आपको वो क्राइम थ्रिलर देखने में मजा आ रहा है, किसने मर्डर किया, ठीक है, लेकिन धीरे 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 मजा आएगा। धीरे धीरे जब अंदर खुशी बढ़ती है, अंदर शांति बढ़ती है ना, मुझे समझ आता है कि इस अजीब से माहौल में भी मैं शांत रह सकता हूं, तब लाइफ को जीने का अपना मजा आता है ना। नहीं तो अभी फोन पे क्या कहते हैं, कोई पूछता है कैसे हो तो क्या कहते हैं, ऐसे कहते हो, क्या कहते हैं जब कोई पूछता है, हाँ भाई क्या हाल है, कैसा चल रहा है, क्या कहते हो? हाँ, कह भी देते हैं, मीन नहीं करते हैं असली में ऐसा होता नहीं। फिर बहुत क्लोज दोस्त होते हैं, उनको तो कह ही देते हैं, बस कट रही है, चल रही है, हो रहा है टाइम पास, कहते हैं ना। देखिए कितना गहरा हमारे अंदर हो गया है, हम यहाँ टाइम पास करने नहीं आए हैं। कहते हैं ना, क्या करें यार, टाइम ही पास नहीं हो रहा, चलो आईपीएल देख लेते, यही तो होता है। कुछ अच्छा करने को नहीं है ना, अच्छा सोचने को नहीं है, इसलिए ये सब चीजें करते हैं। जैसे दुनिया में क्या होता है, कुछ लोग थोड़े नशे कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि वो सच्चाई नहीं देखना चाहते। ये क्रिकेट भी सस्ता नशा है, ये वेब सीरीज, ये सब सस्ते नशे आपको आपकी लाइफ से दूर कर रहा है, उसे महसूस ही नहीं कर रहे। आपको लगता है बढ़िया, चार घंटे टीवी देखा, आईपीएल देखा, लाइफ इज गुड। रास्ते में एक दो घंटे टीवी सीरीज देख ली, नया कुछ देखने को मिल गया, अच्छा है, अच्छी है लाइफ। ये अच्छी नहीं है, ये लाइफ ही नहीं है, हम इसको अवॉइड कर रहे हैं, है ना। तो मैं जो आपको बता रहा हूं कि मैं ये एक्सपीरियंस, मैं ये प्रैक्टिस करता था मेडिटेशन म्यूजिक लगाकर, आसपास किसी का शोर नहीं आएगा, फिर हम अपने आप से कुछ कुछ बातें करें। तो देखना, टाइम तो बहुत है, अलग अलग जगह से निकालना पड़ता है, और जब ये करेंगे ना तो बहुत हमारे अंदर हीलिंग होने लग जाएगी, और हीलिंग होगी तो दूसरों पर ब्लेम करना छोड़ देंगे। अभी हम क्या सोचते हैं, हस्बैंड वाइफ, मतलब मान लो आप हस्बैंड है तो ऐसा लगता है ये इंसान बदल जाए ना मेरी लाइफ में, ये एक इंसान बदल जाए ना, हस्बैंड वाइफ, सास ससुर बच्चे, ये ठीक हो जाए ना, फिर तो मेरी लाइफ क्या है, मस्त सॉर्टेड है।
ये बहुत बड़ा वहम है ना। ठीक किसे करना है? हमें अपने आप को, ठीक है। सो आज हमने पहली बात क्या की कि रोज अपने आप से बात करनी है कि ये जीवन मैंने चूज किया है, ये काम मैंने क्या किया है, चूज किया है, मैंने चुना है ये काम, घर ना, ये परिवार, कभी भी फोर्स फील नहीं करना कि करना ही पड़ेगा। काम करना है तो क्या करते हैं, थोड़ा अच्छे से कर ले, इस सोच को बदल लेते हैं। और बार बार अपने आप को ये कहना है कि मुझे वर्तमान में रहना है। मुझे पता है प्लानिंग करनी होती है ना, फ्यूचर की प्लानिंग करनी होती है, बच्चों की प्लानिंग करनी होती है, तो क्या करते रहते हैं, मान लीजिए मेट्रो में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, एकदम से थॉट आया किसका, बच्चों का, कि बच्चों की पढ़ाई का आगे क्या करना है, फिर क्या होता है, अगला एक घंटा उसी में ही चला गया और प्लानिंग कम हुई, ज्यादा क्या हुई, टेंशन, ओवरथिंकिंग ज्यादा हुई, होता है ना। इसलिए क्या करना है, बस एक प्रैक्टिस, जैसे ही माइंड फ्यूचर में जाए या पास्ट का कुछ जाए, उसे क्या कहना है, कहां पर आ जाओ भाई, प्रेजेंट में आ जाओ। प्लानिंग करनी है, कब करनी है, मैं एक घंटा अपने आप को देता हूं फ्यूचर प्लानिंग की, रात को 8:30 से 9:30 अकेला वॉक करता हूं और पूरी प्लानिंग करता हूं या कॉपी पेन लेकर, अच्छा आगे क्या करना है, कैसे करना है, फैमिली, बिजनेस, काम, सब कुछ। लेकिन दिन में अगर मेरे अंदर थॉट आता है ना कुछ भी, तो मैं क्या कहता हूं अपने आप को, प्रेजेंट में आ जाओ, क्योंकि असली में एक घंटा मोर देन इनफ है प्लानिंग के लिए, आधे घंटे में या फ्री हो जाओगे। पर हमें ऐसा लगता है कि बहुत कुछ करना है, क्योंकि आदत है बार बार वो सोचने की। उससे क्या होगा, जितना प्रेजेंट में रहेंगे उतनी हमारी मन की शक्ति, आत्मा की शक्ति बढ़ेगी। शक्ति बढ़ेगी तो क्या होगा, गलत चीजें अपने आप छूटती जाएंगी। शक्ति बढ़ेगी तो क्या होगा, क्लैरिटी अपने आप आती रहेगी कि ये करना है ये नहीं करना है, आपको साफ साफ दिखने लग जाएगा। कंपनी चेंज करनी है नहीं करनी है, कुछ बोलना है, स्टैंड लेना है, क्या करना है, सब क्लियर हो जाएगा। कंफ्यूजन तब होता है जब माइंड में क्लैरिटी नहीं होती, प्रेजेंट में रहने की, शांत रहने की आदत नहीं होती, ठीक है। तो बार बार दूसरी बात क्या करनी है अपने आप से, बार बार चेकिंग, क्या मैं प्रेजेंट में हूं, मैं वर्तमान में हूं। तीसरा, मैं शांत हूं। तो प्रेजेंट में आके भी क्या करना है, फिर मेडिटेशन म्यूजिक लगा के भी क्या करना है, ये प्रैक्टिस करनी है कि मैं शांत हूं। शांति के लिए जॉब नहीं छोड़नी, ठीक है, शांति के लिए लाख करोड़ नहीं कमाने हैं, खुशी के लिए मैं शांत हूं। इसका ये मतलब नहीं है कि काम छोड़ दे, ये ध्यान रखना। जब हम ये कहेंगे मैं शांत हूं, इसका मतलब है कि मुझे बाहर का कुछ नहीं चाहिए शांत महसूस करने के लिए, ये शक्ति मेरे अंदर है। आसपास अजीब से लोग हैं, एम्प्लॉयज अजीब से हैं, सीनियर अजीब से हैं, लाइफ अजीब सी है, घर वाले अजीब से हैं, तब भी मेरे अंदर शांत रहने की पावर है, पीसफुल रहने की शक्ति मेरे अंदर है। ये बार 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 प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब ये दो तीन बातें आप एक घंटा प्रैक्टिस नहीं कर सकते, उसके लिए फिर और बातें हैं, उसके लिए आप यूट्यूब पे टाइप कर लेना ब्रह्मा कुमारीज मेडिटेशन, आपको कमेंट्रीज मिलेंगी 15 मिनट 20 मिनट की, आप यहाँ पर कोर्स कीजिए, है ना, शुद्धा बहन बताएंगे आपको अगर कोर्स करना है, क्योंकि मटेरियल थोड़ा ज्यादा चाहिए ताकि वो याद रह सके, क्योंकि अभी ज्यादातर मटेरियल कौन सा भरा हुआ है अंदर, क्राइम थ्रिलर,
आईपीएल अब मैच है इसलिए इतने रन बनाए, तो वही चलता है ना, थोड़ा ज्यादा कंटेंट भरना पड़ेगा अच्छा अच्छा तब जाकर वो याद रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें प्रैक्टिस करेंगे अभी के लिए तो थोड़ा सा क्लैरिटी आएगा। और वो याद रखना सैटरडे या मंडे है ना, कौन सा मुझे अपना, आई हैव टू चूज माई टफ। मुश्किल तो सब कुछ है लाइफ में, रोज चूज करना है कौन से वाला टफ चाहिए। ठीक है, ओके, कोई क्वेश्चन अभी आज के सेशन से रिलेटेड, इस बात से रिलेटेड, आपका कुछ, आपको किसी चीज में क्लैरिटी चाहिए, ऑफिस में ऐसा होता है, काम में ऐसा होता है, एनीथिंग? दो चीजों में क्वेश्चन नहीं होते हैं स्टूडेंट्स को, या तो सब क्लियर हो गया या फिर बाउंसर गया है ना। कौन से वाला है, अभी प्रोसेस करने में टाइम लग रहा है ना। चलिए दो मिनट मेडिटेशन करें फिर। अपना पूरा ध्यान अपने ऊपर लेकर आएंगे, परम आत्मा
शांति के सागर है, ओशन ऑफ पीस, और मैं उनकी संतान, मैं भी शांत मन का भागना बंद, तोड़ना बंद, मैं जीवन में जहां हूं, जो मेरे पास है, जो लोग हैं, जो काम है, उन सभी को मैं स्वीकार करता हूं। आई एक्सेप्ट माई लाइफ एज इट इज। I choose this life every day, रोज मैं इस जीवन को चुनता हूं, रात से उसे मुझे बेहतर बनाना, अपने आप को, अपने आसपास के लोगों को, परिस्थितियों को मुझे करना है, ठीक करना है। यही मेरे जीवन का लक्ष्य है, पर्पस है, कि मैं कितना समय प्रेजेंट में रह सकता हूं, शांत रह सकता हूं और परमात्मा को, भगवान को याद कर सकता। बहुत 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 अच्छे कर्म चाहिए भगवान को अनुभव करने के लिए। हम भगवान से दूर क्यों हैं, क्यों वो फील नहीं होते, ऐसा लगता है कुछ नहीं है, सब इधर उधर की बातें हैं, क्योंकि हमारे कर्म इतने अच्छे नहीं है। इसीलिए कर्म धीरे धीरे अच्छे करेंगे, ऑनेस्ट प्योर माइंड में, वर्ड्स में, एक्शंस में, तो आप देखना हीलिंग खुद की भी होगी और वो जो परमात्मा है, भगवान है, उनकी प्रेजेंस फील होने लग जाए। ठीक है, इसलिए इस प्रकृति का भी ध्यान रखें, कुछ भी ऐसा ना करें जिससे इस प्रकृति को नुकसान हो, आसपास के वाइब्रेशंस नेगेटिव मेरी वजह से फैले, और धीरे धीरे सच्चाई का, अच्छाई का, दिव्यता का रास्ता बनाए, तो फिर अपने आप वो वाइब्रेशन खुद के भी फील होंगे और परमात्मा के भी, और वही लाइफ का असली पर्पस। ठीक है, बहुत अच्छा लगा, आपने इतना धैर्यता से, पेशेंस के साथ सुना और समझा। मुझे उम्मीद है कि कुछ दो तीन चेंजेस आपकी लाइफ में जरूर लाएगा और आप एक और अच्छे बेहतर इंसान बनेंगे। थैंक यू ओमशा। बैठने के लिए आना ये भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है।
शायद आप सभी इस बात को अभी समझे नहीं समझे मुझे नहीं पता है, लेकिन बाहर की जो दुनिया है बहुत चैलेंजेस है और आने वाले समय में चैलेंजेस और बढ़ेंगे, और उस समय है ना जब हमारा मन शांत होगा तभी वो मन अच्छे से ठीक से निर्णय ले पाएगा। तो यहाँ बैठना इटसेल्फ है ना, कितना डेढ़ घंटे में 5 मिनट अंदर गया 10 मिनट गया वो अपने जगह पे है, लेकिन यहाँ बैठे वो भी बहुत बड़ा आपने अचीव कर लिया है ना। तो एटलीस्ट ये तो आपको पता चला कि आप खुद के साथ बैठ सकते हैं, है ना, क्योंकि ये पता ही नहीं कि हम लोग खुद बैठ सकते हैं। तो आज पता चला कि इतना समय आप विदाउट मोबाइल खोले, हाँ विदाउट, जैसे बार बार रितेश भाई रील्स की बात कर रहे हैं वो देख के भी हम बैठ सकते हैं, है ना, नहीं तो फिर कभी भी बैठे तो ऐसे थोड़ी खाली बैठना है, तो क्या करना है, मोबाइल तो उठाना ही है। लेकिन ये तो पता चला क्योंकि वो सब आपको पता भी है कि वो कितना नुकसान करता है, क्योंकि जब कर्मों की बात आ रही थी है ना, जब बोल रहे थे कि हमारे कर्म, तो कर्म ना हमें लगता है हम थोड़ी किसी के लिए कुछ बुरा कर रहे हैं, हाथों से कुछ गलत कर्म कर रहे हैं, लेकिन सोचना भी कर्म है, सबसे बड़ा पहला कर्म है सोचना, हम क्या सोच रहे हैं, देखना भी कर्म है, सुनना भी कर्म है। तो हमें ये पता ही नहीं रहता है, हम सोचते हैं वो तो क्या, हम लोग किसी के लिए बुरा थोड़ी कुछ कर रहे हैं किसी का, हम तो मोबाइल देख रहे हैं, लेकिन वो जो देख रहे हैं, जो भी यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ जाएगा, इसके ऊपर आपका भाग्य बन रहा है, इसके ऊपर आपका चरित्र बन रहा है। जो मैंने यहाँ से देखा, यहाँ से पढ़ा, यहाँ से सुना, यहाँ से खाया, यहाँ से पिया, यहाँ से बोला, सब यहाँ जाएगा, और यहाँ से फिर वो रॉ मटेरियल है उसके ऊपर आपकी सोच चलेगी, उसी के ऊपर सोच चलेगी, उसी के ऊपर आपके बोल होंगे और उसी के ऊपर कर्म होंगे। तो बाकी तो जीवन जैसे आए गए उसका कोई मतलब नहीं है, हमें आए हैं तो हमें बहुत स्टेबिलिटी के साथ रहने के लिए आना चाहिए। तो इन बातों को थोड़ा सा इमीडिएटली एक दिन में डेढ़ घंटा सुनना भी ओवरडोज हो सकता है, तो अभी मैं बहुत ज्यादा उसमें नहीं जाऊंगी। वैसे आज आप सभी को पता है ना वर्ल्ड लिवर डे भी है, तो आप मन के लिए भी अच्छा अच्छा भोजन दे, साथ में अपने लिवर का भी ध्यान रखे है ना, इससे भी प्यार करे जो हमारा पूरा सिस्टम को साफ रखता है, तो उसका भी ध्यान रखते हुए उससे भी कुछ ज्यादा गलत नहीं खाना है, हमें स्वस्थ रहना है, क्योंकि लीवर हमारे पास, वैसे भगवान ने बाकी सारी चीजें दो दो दी है लेकिन लीवर एक ही है, लीवर फेल हो जाता है तो इतना इजीली लीवर ट्रांसप्लांट वगैरह बातें नहीं होती है। चलो किडनी होगी एक किडनी तो दूसरी किडनी एक आंख तो दूसरी आंख है, हार्ट में कुछ हो जाता है तो फिर हार्ट के लिए वेसल्स बाकी सब सर्कुलेशन हो जाता है, लेकिन लीवर का ध्यान रखना है तो खाने पे भी हमें थोड़ा सा अटेंशन देना है, प्रेफरेबली हम वेजिटेरियन फूड ही ले हो सके, फ्रूट वेजिटेबल सलाड स्प्राउट ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोनों बातों के लिए, मन के लिए भी मैं क्या भोजन ले रहा हूँ, क्योंकि वही फिर मन सब डाइजेस्ट करके हमारा जीवन बना रहा है, और भूख से भी हम क्या ले रहे हैं जिससे फिर हमारा शरीर भी हमारा लीवर का स्वास्थ्य भी ठीक रहे। तो आप सभी यहाँ आए, आप सभी ने बहुत प्यार से सुना, बहुत शांति से, शायद आप थोड़ा सा जब विचार करेंगे तो आपको लगेगा नहीं अच्छा लगा है ना, मतलब क्या समझ में आया पता नहीं, लेकिन चलो एटलीस्ट अच्छा लगा, क्यों, क्योंकि जो हमारा मन है ना उसका जो नेचर है वो स्वभाव है वो है शांति। अल्टीमेटली हम कहीं ना कहीं शांति बाहर घूमते रहते हैं लेकिन वो बाहर है ही नहीं, तो इसीलिए फिर हमें लगता है पता नहीं लेकिन ठीक लगा अच्छा लगा, क्यों, क्योंकि वो शांति हमें अनुभव हुई। तो धीरे धीरे थोड़ा समय अपने साथ बैठना चालू करें, सुबह उठते ही 5-10 मिनट बैठना, शाम को बैठना, और जैसे फिर हितेश भाई बता रहे थे मेडिटेशन के बारे में, तो महीने में एक बार मैं यहाँ पे वर्कशॉप लेती हूँ, एवरी मंथ 1 जनवरी 3rd Sunday होता है, तो अभी परसों 21st को वर्कशॉप होगी, 9 to 11 o'clock तक रहती है, लेकिन 2 घंटा हम लोग गर्भ संस्कार मतलब उन लोगों के लिए बात करते हैं, और 11 से 1 बजे तक सभी के लिए होता है, मतलब कोई भी आकर ज्वाइन कर सकते हैं, तो वो आप भी उसमें आ सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली हितेश भाई भी हमारे बीच में रहेंगे शायद,
उनका सब कंप्लीट हो जाता है, वर्कशॉप कल परसों या परसों शाम को है। तो मेडिटेशन होता है यहाँ एवरी मंथ वंस। फिर आप सभी को बता दें कि गर्भ संस्कार के हमारे सेशंस ऑनलाइन होते हैं, तो आपके कांटेक्ट में कोई भी आते हैं तो आप उनको बता सकते हैं। डिवाइन गर्भ संस्कार यूट्यूब चैनल है, तो उसपे डेली सेशंस होते हैं। जो प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं तो उनके लिए भी हॉलिस्टिक आईवीएफ सेशंस होते हैं। और जैसे मैंने कहा वंस इन अ मंथ यहाँ वर्कशॉप होता है। तो क्या है कि आप लोगों को भी भेज सकते हैं, आप लोग भी समय निकाल कर थोड़ा सा आ सकते हैं। तो इसमें हम मेडिटेशन की बात करते हैं। तो आप सभी आए, बहुत प्यार से सभी ने सुना। तो इसके बाद फिर आप नीचे 5-10 मिनट के लिए मिल सकते हैं, आपको रिमाइंडर।